तो आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम मेघा परमार है। मैं मध्य प्रदेश में, गांव है भोजनगर, वहाँ की हूँ, सीहोर जिले के अंदर आता है। मेरा अचीवमेंट है, मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की थी 2019 में जिसने माउंट एवरेस्ट समिट किया था। इसी के साथ मैंने 5 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन सबमिट किए हैं और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं टेक्निकल स्कूबा डाइवर हूँ। 147 फिट नीचे मैंने टेक्निकल स्कूबा डाइविंग किए हैं। और मैं मध्य प्रदेश की समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और कुछ और विभाग है जिनको मैं प्रमोट करती हूँ। तो मेरी जर्नी टॉप टू बॉटम कैसे शुरू हुई, भोजनगर से। सो 27 वर्ष पीछे यदि हम चले जाएं तो जिस परिवेश में मैं आती हूँ, हमारे यहाँ हम जब 2 वर्ष के होते हैं हमारे यहाँ एंगेजमेंट हो जाती है, हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी नहीं होती है, हमारे यहाँ नारियल यहाँ से वहाँ भेज दिया जाता है और आपकी सगाइयाँ हो जाती हैं। हमारे गांव में स्कूल नहीं था तो मैं अपने मामा साहब के घर पर पढ़ी। जब आप दूसरों के घर पर रहते हैं तो आपको एक फ्रिज में से टमाटर लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, ले या नहीं ले। आपका मन करता है बहुत ज़ोर से रोने का, पर आप रो नहीं सकते क्योंकि आप दूसरों के घर पर रहते हो। तो आप अलमारी खोलते हो, उसमें गर्दन डालते हो और आप रो लेते हो क्योंकि आप अपने घर पर नहीं बता सकते कि आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आपको पढ़ाई पूरी करनी है। और हमारे यहाँ हम लोग 12वीं पास करते हैं अधिकतर जितनी भी गर्ल्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब जात का सम्मेलन होता है और सरकारी सम्मेलन होता है शादियों का, क्योंकि दिन के समय सारी बारातें एक साथ आ जाती हैं। सो मेरे भी सपने कुछ ऐसे ही थे कि बस 12वीं पास करके राख से बर्तन नहीं मांझना है और घर में फ्रिज होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो जब मैं गाँव पहुँची तो लगन वगन हमारी निकल चुकी थी सब लोगों की और डिसाइड हो गया था कि शादी के लिए तैयारी हो गई थी। हमारे यहाँ जो 18 वर्ष की उम्र होती है वो 12वीं पास एग्जैक्ट आप होते हो तो वो मार्कशीट काम आती है सरकारी सम्मेलनों में, इसलिए हमारे यहाँ सब लोग लड़कियाँ या तो 12वीं फेल हो जाते हैं या 12वीं पास हो जाते हैं, पर 12वीं सब पास करते हैं क्योंकि सरकारी सम्मेलन में वो काम आए। सो आने के बाद ये था कि अब जल्दी से शादी होने वाली है, सपने वही है, पर आपको नहीं पता होता है कि आपके जीवन में किस रूप में प्लेटफॉर्म आता है। तो मेरे जीवन में ये आया था कि जो मेरे भाई थे वो पढ़ने के लिए शहर गए थे और वो भाग भाग के गाँव आते थे। रीज़न था कि उन्हें ना भाई के हाथों का खाना पसंद आता था ना ही टिफ़िन का। सो मेरे बड़े पापा ने डिसाइड किया कि छोरी उनका कॉलेज में, वो सीहोर गए छोड़ने के लिए, छोरी उनके कॉलेज में लड़की को डाल देते हैं, लड़की की भी ग्रेजुएशन हो जाएगी और लड़कों का खाना भी बन जाएगा। तो मेरा जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट वहीं से शुरू हुआ। मैंने ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज ज्वाइन किया जहाँ मुझे अपने भाई लोगों का फटाफट खाना बनाना होता था, गर्ल्स कॉलेज जाना होता था क्योंकि वो गर्ल्स लड़कियों का कॉलेज था, तो कोई टेंशन नहीं थी। मैंने BCA किया था और 2 साल बाद भी मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, पर फिर भी मैंने BCA किया था। और वहाँ हमारा जो मकान था वो दूसरी मंजिला पर था, मुझे हर दिन दूसरी मंजिला पे कृति फॉर्चून ऑयल के कुप्पे खाली हो जाते हैं, उनको भर भर के दूसरी मंजिला पे लेके जाना होता था क्योंकि नहाना भी है, वॉशरूम भी जाना है। पर मुझे उस समय लगता था कि मैं कोई सुबह कुप्पों से पानी क्यों भरना पड़ता है, ये तो स्कूल चले जाते हैं। पर एक बार जब मैंने अपने जीवन को पलट के देखा माउंट एवरेस्ट के बाद तो मुझे फील हुआ कि शायद उस दिन उन कुप्पों से पानी नहीं भरते तो क्या मेरे पैर इतने मजबूत होते कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाते। कभी नहीं, आपको नहीं पता होता है कि आपके जीवन में या तो बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं, या तो आपको बहुत बड़ी असफलता के लिए तैयार कर रही है, या बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है, आप उसके लिए तैयार हो रहे हो। फिर आगे गर्ल्स कॉलेज में चीज़ें शुरू करी, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। मैं आप सबसे भी कहूँगी पार्टिसिपेट करो, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मुझे लगा कि अपन खेल सकते हैं, पढ़ने में अपना कुछ नहीं हो सकता। सो ये डिसाइड हो गया था कि खेलने में कुछ ना कुछ करना है, पर समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। फिर मैंने तभी पढ़ा था अखबार में कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, तब क्लिक किया, ओके लड़के ने किया, बछेंद्री पाल मैम ने 32 साल पहले किया, तो मध्य प्रदेश की किसी लड़की ने क्यों नहीं किया। जब आप दर्पण में अपने आप को देखिए, जो पुरानी लाइन है पर बहुत गहरी लाइन, जब बोलते हैं ना कि हमारे पास भी तो 2 हाथ पैर हैं, उनके पास भी 2 हाथ पैर हैं, हम भी तो कुछ कर सकते हैं, तब ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है। और मेरी कमी है और मेरी ताकत है, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, बहुत बहुत अव्वल दर्जे वाली। वो मेरी कमी है क्योंकि उसकी वजह से मैंने बहुत मार खाई है, पर वही मेरी ताकत है कि मैंने यदि ठान लिया तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब माउंट एवरेस्ट सोच तो लिया था, पर पता नहीं था कि इसके लिए इतने कठिन संघर्ष होंगे कि माउंटेनिंग के कोर्स करने पड़ेंगे। हमारे यहाँ माउंटेनिंग के कोर्स करवाए जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता ना कि आप बर्फ़ को देखते तो फ्रिज में रखी हुई आइस क्यूब होती है आपके लिए, जब आप कोर्स करते तो आपको पता चलता है कि रैपलिंग कैसे करना है, जुमारिंग कैसे करनी है, आपको 2 मैगी के पैकेट में सर्वाइव कैसे करना है, आपको इग्लू बना के कैसे रहना है, सेम ही कमांडो की तरह ट्रेनिंग होती है। इन चैलेंजेस के बाद आता है 25 लाख रुपये की राशि, माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपये की राशि लगती है, और मैंने 25,000 कभी हाथ में भी नहीं देखे थे, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था 25 लाख रुपये। सोच तो लिया था कि करना ही है चाहे जो हो जाए।
अब क्या करें, तो फिर मैंने ऐसे 550 लोगों की लिस्ट बनाई थी, जो जो व्यक्ति अखबार में इश्तिहार दे रहा है, मतलब उसको मार्केटिंग चाहिए और आपको कोई मदद करने नहीं आएगा, आपको खुद की मदद करनी पड़ेगी। तो मैं गांव से थी तो मेरी सोच ऐसी थी कि मतलब इनको मार्केटिंग चाहिए, मैं कैसे बता सकती हूँ। तो मैं लोगों के पास से जाती थी कि मैं बोलती थी आपने सुल्तान मूवी देखी है, तो वो लोग बोलते थे हाँ देखी है। तो मैं उनको बोलती थी सुल्तान में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है, आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ाऊंगी, आप मेरे साथ प्रसिद्ध हो जाओगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली लड़की माउंट एवरेस्ट जा रही है। सो लोग, कुछ लोग हाँ करते थे, कुछ लोग ना करते थे, पर अधिकतर जो ना करते थे उनके लिए मेरे मन में ये था कि उनकी परिस्थिति है, और हाँ करते थे उनका एहसान मैं कभी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक ऐसे खिलाड़ी पर लग रहा है जो डूब सकता है, तो मैं वो आपसे कुछ नहीं चाहता, बस हर मंच में हम उसको एक श्रेय देते कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया है। तो मैं अपने स्पॉन्सर का एहसान कभी नहीं भूलती, क्योंकि अवसर देना सबसे महत्वपूर्ण होता है, खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं। तो वहीं से मेरी चीज़ की शुरुआत हुई थी। फिर मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने पनौला के स्पॉन्सर किया था, फिर एक प्राइवेट कंपनी ने किया था। अब आता है माउंट एवरेस्ट के चैलेंजेस, इसके साथ मैंने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में मालदीप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जब मुझे यकीन दिला रहे थे कि मैं कुछ कर सकती हूँ। जब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठी थी तो मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस था कि सबसे पहले फ्लाइट में जाके मुझे वॉशरूम देखना था, क्योंकि हमारे गांव पे बोलते हैं कि जब भी हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है ऊपर मत देखा करो, वो सब कुछ नीचे आता है। तो मुझे यार सोचा गाँव के बच्चे की कैसे जिज्ञासा होती है कि कैसा होता है अंदर का हेलीकॉप्टर का वॉशरूम। तो ये सब मेरे लिए अलग अलग नई नई चीज़ें थी, जैसे लग रहा था ये सपने में भी नहीं सोचा था सब कुछ। फिर अब माउंट एवरेस्ट की जर्नी शुरू होती है। माउंट एवरेस्ट 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है, हमारे 4 कैंप होते हैं, हमारे 2 किलो के जूते होते हैं, हमारे पैर के नीचे क्रैम्पॉन लगे होते हैं, हमारा 25 किलो का बैग होता है। हम लोग नेपाल से लुकला जाते हैं, लुकला के बाद अब शुरू होती है चढ़ाई, हम बेस कैंप पहुँचते हैं 5,345 मीटर की हाइट पर, जब आपका हार्ट वहाँ भी ऐसे पंप करता है जैसे आप 10 मंजिला इमारत पर चढ़ने के बाद करते हो, ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे गिरने लग जाता है। हम लोग हमेशा क्लाइंबिंग रात को करते हैं, क्योंकि उस समय स्नो हार्ड होती है, दिन के समय एवलांच आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये 2 महीने का एक्सपेडिशन क्यों होता है, क्योंकि हमारे एक्लिमेटाइजेशन का पीरियड होता है। हम लोग पहले कैंप 1 जाते हैं बेस कैंप से 6,101 मीटर, हम वहाँ टेंट लगाते हैं, बर्फ़ खोदते हैं, पिघलाते और पानी पीते हैं। पहले बॉडी आपका फैट खाती है, मसल्स खाती है, धीरे धीरे आपको खाना शुरू करती है, क्योंकि हमारा शरीर उस एल्टीट्यूड के लिए नहीं बना है, तो हमारे सेल्स धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। हम वहाँ पर रात बिताते हैं, वहाँ सपने आने भी बंद हो जाते हैं, कि दिमाग को हमारा ऑक्सीजन उतनी देता जितनी आवश्यकता होती है। सो हम रात वहाँ बिताते हैं, आपका यूरिन का कलर रेड हो जाता है, क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका चेहरे का 10 लेयर निकल चुकी होती है सनबर्न की वजह से, और आपके होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल सफ़र का चलने जैसा होता है। फिर हम वापस आते हैं, फिर हम कैंप 1 जाते हैं, फिर कैंप 2 जाते हैं, फिर वापस आते हैं। कैंप 2 के से ऊपर वो हेलीकॉप्टर नहीं जाता, क्योंकि उसके ऊपर जो होता है कि आपने देखा होगा प्रेशर घटता जाता है, तो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। सिर्फ कैंप 2 तक जिन लोगों को खून की उल्टियाँ हो रही हैं या एसिड बाहर आ रहा है उनको ले लिया जाता है। फिर उसके बाद कैंप 3 आता है 70 डिग्री का ग्रेडियंट, जहाँ आपको स्लिप यदि वॉशरूम भी जाना है तो केराबिन अटैच करके जाना पड़ता है, बिल्कुल सीधे लेटते हो, और वहाँ तक पहुँचने में 7,900 के बाद आता है डेथ जोन। और ये एक्मेटाइजेशन पूरा होने के बाद हम लोग जाते हैं समिट पुश के लिए। सो जब 7,900 के बाद डेथ जोन, इसलिए कहा जाता है कि आप यहाँ सप्लीमेंट ऑक्सीजन भी यूज़ करेंगे उसके बाद भी आपकी डेथ हो सकती है। और आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा गार्बेज है, तो वो डेड बॉडीज़ का गार्बेज है, उनका उनके इक्विपमेंट, उनकी डेड बॉडीज़, हर बार ग्लेशियर मूवमेंट करता है, नई नई डेड बॉडीज़ निकल के आती है, कई बार आपको उनके बगल से क्रॉस करना पड़ता है और कई बार आपको उनके ऊपर से क्रॉस करना पड़ता है। और फिर आता है कैंप फोर मतलब डेथ जोन। सो हम लोग वहाँ पे हमारा डेथ जोन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग क्लाइंबर क्लाइंब कर लेते हैं, कई अधिकतर लोगों की डेथ वहाँ आने के बाद होती है, क्योंकि वो इतना थक जाते हैं। सो कैंप 4 में जितने लोगों की डेथ होती है उनको स्लीपिंग बैग में बंद करके खप्पी नुमा रख देते हैं, वहीं आपका टेंट लगा होता है। फिर आता है 18 घंटे का समिट पुश, जब आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँचते हो। 2018 में मैं 8,101 मीटर पर थी और मेरा 700 मीटर रह गया था, मेरी स्पीड बड़ी स्लो हो गई थी, और मेरे शेरपा ने मुझसे कहा था बहनी हम सबमिट तो कर लेंगे पर जिंदा वापस नहीं आएंगे, मेरे तो बाल बच्चे हैं। और ये वैसा दृश्य था कि मेरा मन कर रहा था मैं तो चले जाऊँ, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए हैं। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि पहाड़ वही है, ज़िंदगी रही तो हम दोबारा कर लेंगे। ऐसे ही ज़िंदगी के बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ वही हैं, ज़िंदगी रही तो हम दोबारा कर लेंगे। फिर मैं वापस आई और तब तक अखबारों में छप गया था मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने माउंट एवरेस्ट समिट किया है। तो आप तो या तो दुनिया को झूठ बोल दो, पर आप आत्मग्लानी से मर जाओ, है ना।
तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने अपने फेसबुक पर लिंक दिया था, नहीं मेरा 700 मीटर रह गया, मेरा माउंट एवरेस्ट सबमिट नहीं हुआ। तो जो लोग अभी तारीफ कर रहे थे, जो आपकी दुनिया में सबसे ज़्यादा तारीफ करते हैं, बाद में वही सबसे पहले पत्थर मारते हैं। तो बाद में ऐसा लग रहा था कि अब मैं, मतलब सब लोग बुरा बुरा बोल रहे थे, तो पापा ने बोला था बेटा थारा वजह से हमने तो थारे आगे बढ़ाए और लोग हमें इतना ताना दे रिया। पर जब भी आपको असफलता मिलती है तो हारना मत और इतना सोचना मत। एक चीज़ होती है जो आपको टेंशन देंगी, तो कॉपी पेन उठाना और लिखना कि क्यों नहीं हुआ। मैंने लिखा था सबसे पहले कि मैं शाकाहारी और इंडियन फूड की आदी हूँ, मतलब चटोरी हूँ, तो उसका सब्स्टिट्यूट मुझे अगली बार लेके जाना है। पहला रीज़न असफलता का रहा कि मेरी स्पीड स्लो थी, मुझे अगली बार मेंटल के साथ फिजिकल भी प्रॉपर तैयार होके जाना होगा। फिर मैं अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट में कोर्स के लिए गई। हमारे यहाँ आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग होती है और विलियर आपको विले देता है पीछे से। जब मैं क्लाइंब कर रही थी तो मेरे विलियर के हाथ तो विले छूट गया था, मेरा 12 फीट से फॉल हुआ था। 4 जुलाई 2018 को मेरी रीढ़ की हड्डी में 3 हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गए थे और इंस्टीट्यूट ब्लैकलिस्ट हो जाता है, इसलिए तुरंत मेरे को कमर में बेल्ट बांध के मनाली से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल में आई थी। मेरी ज़िंदगी में मुझे उससे ज़्यादा दर्द कभी कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि दर्द की वजह से मेरे दांत चिपक गए थे। जब मैं भोपाल पहुंची थी, मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया था जो बोलते थे आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छा करती हैं। एक भी व्यक्ति स्टेशन पर लेने नहीं आया था। उस दिन ये चीज़ समझ में आई थी कि जितने भी लोग आपको झूठी झूठी तारीफ करते हैं वर्चुअली, वो सिर्फ एक प्रोफाइल पिक्चर है, उनको डिलीट कर देना। वो लोग जो आपके कठिन समय में साथ दे, वही आपके असली लोग होते हैं। मेरे गुरुजी मुझको लेने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे फिर मेरा MRI कराया। तो मेरा MRI में 3 जो हेयरलाइन फ्रैक्चर निकले, उससे पहले मैं ऊपर वाले को बहुत कोस रही थी कि मेरा शरीर टूट गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, शरीर था वो भी तोड़ दिया, अब क्या लोगे आप इससे ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोला कि यदि MRI में जो हमारा टेल बोन के पास दो हमारे ब्लैक जुड़े होते हैं और सारा मेरु रज्जू वहीं पे जुड़ा होता है, यदि वो आधा इंच भी लेफ्ट साइड के जहाँ टूटा है आधा इंच भी ज़्यादा होता तो मैं लाइफ टाइम के लिए लेफ्ट लेग से पैरालाइज हो जाती। तो ऊपर वाला कभी कभी बुरा करता है, पर उससे भी बुरा हो सकता था। ये चीज़ मुझे समझ में आई थी उसे। जब मैं 9 महीने बिस्तर पे थी तो मेरे को बहुत नेगेटिव ख्याल आने लग गए थे। तो जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हम वैसे होते जाते हैं, जिस चीज़ के लिए मुझे आपके पास बुलाया गया है। उस समय मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती थी, अच्छी अच्छी मूवी देखती थी। दो मूवी ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया था। पहला था चक दे इंडिया, जिसका एक डायलॉग था 70 मिनट लड़कियों दिखा दो इस दुनिया को। दूसरा मांझीदा माउंटेन का एक डायलॉग था, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मैं अपने आप से बोलती थी कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। हमारे धर्म में कहा जाता है कि राम राम का नाम रोम रोम में बस लो, तो मैंने वो डायलॉग इतना बार बोला था कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, कि वो मेरे रोम रोम में सबकॉन्शियस माइंड में बस गया था। जब मैं दूसरी बार तैयारी कर रही थी, जब मैं बिस्तर से दोबारा उठी थी तो मैं 89 kg की हो चुकी थी, रुई की तरह। मुझे कोई ट्रेनिंग कराने के लिए रेडी नहीं था। तो मेरे कोच साहब एस के प्रसाद साहब मुझको ट्रेनिंग कराने के लिए रेडी थे, पर उन्होंने दो चीज़ कही थी। पहला कि मैं कहूँगा कि तुम 8 घंटे यहाँ खड़ी रहो तो मुझसे ये नहीं पूछोगे कि क्यों खड़ी रहो। दूसरा, जब लोग सो रहे होते हो और आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तब आप सक्सेस होते हो। तो मैंने फिर ये हुआ था कि मुझे सुबह हर दिन 4 बजे जागना होता था, ट्रेनिंग करनी होती थी, मैं हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ती थी, हर दिन 21 किलोमीटर दौड़ती थी। फिर फाइनली मैं माउंट एवरेस्ट के लिए 42 किलोमीटर दौड़ने के बाद रेडी थी। मुझे दोबारा मध्य प्रदेश सरकार ने स्पॉन्सर किया था और फाइनली 22 मई सुबह 5 बजे मैं दुनिया की सबसे ऊँची चोटी पर -52 डिग्री टेम्परेचर में इंडिया के फ्लैग के साथ खड़ी थी। और एक चीज़ वहाँ से समझ में आती है कि इससे ऊपर या तो आसमान है या भगवान है। दुनिया के सारे माउंटेन्स वहाँ से छोटे छोटे नज़र आते हैं। आप सुनते हैं कि दुनिया गोल है, वैसे असलियत में दिखती है दुनिया गोल है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं भोर के समय गई थी तो पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था सतरंगी है। और इस टेम्परेचर में आप चंद सेकेंड के लिए यदि आप उसकी उंगलियाँ निकालते हो तो फ्रॉस्टबाइट हो जाता है। उस टेम्परेचर में मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ सारी महिला और सारी लड़कियों का साहस था। मैं जब वापस आई थी मेरा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था बीच रास्ते में, मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गई थी और मुझे किसी दूसरे क्लाइंबर का ऑक्सीजन मिला था। अंजलि कुलकर्णी मैम थी जिनकी डेथ ऊपर हो चुकी थी, उनके शेरपा ने मुझे ऑक्सीजन दिया था, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने जीवित खड़ी हूँ, जिसका जिक्र उन्होंने मराठी और इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्री में जिक्र किया। और वो बोलते हैं कि जब जब मैं मेघा के कंठ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उनकी सांसें मेरे अंदर चल रही है। मुझे भी ये लगता है। अब मेरा जीवन का यही उद्देश्य है कि मुझे और लाइनें खड़ी करनी है और लाइनें आगे बढ़ानी है, और जिस चीज़ों ने मेरे जीवन को बदला है वो मुझे आगे और सर्कुलेट करते जाना है। मैं डिफरेंट डिफरेंट एडवेंचर में और लोगों को आगे बढ़ाती हूँ, तैयार करती हूँ। बाद में आने के बाद जो लोग बुराई कर रहे थे, वो लोग मेरे पिताजी को कंधे पर लेकर पूरे पूरे गाँव में घूम रहे थे। बहुत सारा सम्मान हुआ, GK की बुक में नाम आने लगा।
इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए यह है कि जब हज़ारों बच्चियों का और हज़ारों बच्चियों के पेरेंट्स का कॉल आता है कि तुम्हारी वजह से हमारी हिम्मत बढ़ गई कि अब हम उनको आगे बढ़ाने लगते, मेरे लिए लगता है ये मेरी असली सफलता है। और हर एक के जीवन में अलग अलग माउंट एवरेस्ट होते हैं। मैंने अपना माउंट एवरेस्ट फतह किया, अब आपको अपना माउंट एवरेस्ट फतह करना है। आप सबके पास इतना कुछ है देखने को, महसूस करने को, कि थोड़ा भी वक्त नहीं है बर्बाद करने को। संभावनाएं असीम है, आप कुछ भी कर सकते हो, शायद इस दुनिया को बदल सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना, कभी किसी काम को लेकर मन में दुविधा हो तो याद रखना, ना करके पछताने से करके पछताना। और आपको यहाँ सिर्फ शादी करने, बच्चे करने या नौकरी करने के लिए नहीं भेजा है, आपको ऊपर वाले ने भेजा है कि इस दुनिया को आपको बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत और ढेर सारा प्यार बांटना है, क्योंकि इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है। कभी कभी आपको भी महसूस होती होगी, तो अपने जीवन में संतुष्टि रखना और प्रेम बांटते रहना। और अंतिम लाइन जो मेरे जीवन को दो लाइनें हमेशा बूस्ट करके रखा था, पहला है काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जीता है, पर कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। और दूसरा जो मुझको बताता है कि असंभव कुछ भी नहीं, समंदर कितना भी गहरा हो पैर जमाए रखना, तूफान कितना भी तेज हो हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। ये मेरी जर्नी थी, मेरा एवरेस्ट था। मैं आप सबसे भी कहूँगी अब अपने अपने एवरेस्ट का अचीव कीजिए। थैंक यू सो मच।